नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। मैं आपके बीच में केएस शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे न्यू व्हीकल एक्ट, जिसे भारतीय न्याय दंड संहिता 2023 में संशोधन कर शामिल किया गया, जिसके तहत ड्राइवर को 7 लाख रुपए का जुर्माना अथवा 10 वर्ष का कारावास का प्राविधान है। इसके पहले 304A के तहत 2 वर्ष का प्राविधान था। आज इसी कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर देश के भिन्न भिन्न शहरों में स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कानून सरकार को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अधिकतर लोग रेकलेस ड्राइविंग करते हुए या नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए दुर्घटना कर देते हैं और विक्टिम को छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। यह दुर्घटना में शिकार व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसे सही समय पर मेडिकल सपोर्ट मिल जाए तो दुर्घटना में शिकार व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है और जीवन का मूल्यांकन दुनिया की किसी और वस्तु से नहीं किया जा सकता। विगत कुछ वर्षों में हर वर्ष तकरीबन 4 लाख लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार को हिट एंड रन के संबंध में एक नया कानून 2023 में लाना पड़ा, ताकि सड़क पर चल रहे हर नागरिक को और अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस बात पर कोई संदेह नहीं कि ट्रक ड्राइवर अरबों खरबों किलोमीटर की यात्रा देश में करते हैं और देश भर में तकरीबन 80 लाख से अधिक ट्रक ड्राइवर हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रक ड्राइवर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों किलोमीटर का सफर करने के बाद वस्तुओं की आपूर्ति में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवरों को अपने दायित्व व जिम्मेदारी को भी समझना होगा। उन्हें एक सैनिक की भांति सचेत अवस्था में ड्राइविंग करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद यदि दुर्घटना होती है तो विक्टिम को उपचार हेतु हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी ड्राइवर की एक नैतिक ड्यूटी बनती है। इससे समाज में एक मैसेज जाएगा कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आम लोगों का रवैया भी ड्राइवर के प्रति नरम होगा। इन सब के बावजूद यह ड्राइवर आम पब्लिक की मारपीट का शिकार होता है तो उसे भी कानूनी संरक्षण मिलना आवश्यक है, ताकि हमारे ड्राइवर भाई को भी इस कार्य को और भी बेहतर तरीके से करने में कोई दिक्कत न हो। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं वह लंबी दूरी का सफ़र करते हैं और वह इस दौरान उन्हें थकान आ जाती है, नींद आ जाती है। परिणाम यह होता है कि वह या तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर उनसे दुर्घटना हो जाती है। अतः ट्रक मालिकों को भी एक जिम्मेदारी उठानी होगी और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी लंबा सफ़र करना हो तो ट्रक मालिकों को 2 या 3 ड्राइवर रखे जाने चाहिए, ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों को सफ़र के दौरान आराम मिल सके और सफ़र आसानी से व सुरक्षित तय तरीके से किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और ये मेरा सुझाव आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।